ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट निकल कर आ चुका है इंडिया वाला, एंड इंडियन प्राइसिंग भी बताएंगे साथ में क्या होने वाला है प्राइसिंग ये इंडिया में। और गाइस इसका फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताने वाले हो तो भाई अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में इंटरेस्ट है तो भाई लास्ट वीडियो को जरूर देखना, डिटेल्स में इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट से शुरू करेंगे। सो गाइस सबसे पहले बात करने वाले इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले। इसका जो डिजाइन होने वाला है ना, पीछे आपको 4 कैमरे मिलेंगे, पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये आने वाला है, प्लास्टिक बैक में एंड एलईडी फ्लैश रहेंगे और सैमसंग का ब्रांडिंग आपको मिल जाएंगे। सामने एक नॉच वाला सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसका लुक्स एंड डिजाइन जो है ना भाई, सैमसंग गैलेक्सी A22 जो है ना उसका ही जैसा इसका लुक एंड डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। ज्यादा फर्क इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वही सिंपल सा डिजाइन दे रखा है इधर सैमसंग ने। एंड बात करेंगे इसके डिस्प्ले तो भाई इधर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस TFT पैनल के साथ ये फोन आपको मिलेंगे, जो भाई 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। TFT डिस्प्ले भाई कौन देता है अभी के टाइम में। इसका प्राइसिंग अगर आप सुनेंगे ना भाई बहुत ही चौंकने वाले है, प्राइसिंग भी बताएंगे तो भाई लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए। और भाई गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन आपको ऊपर साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं होने वाला आपको, जैसे बताऊंगे सैमसंग गैलेक्सी M32 जो फोन आया था उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाते थे, बट इस फोन में आपको TFT पैनल के साथ यह डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो भाई बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है इधर सैमसंग की तरफ से, जो नहीं करना चाहिए था। और भाई बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो भाई इधर आपको सैमसंग का खुद का प्रोसेसर मिलेंगे Exynos 1280, एक 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है जिसमें आपको सब दो ही 5G बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो यही न्यूज निकल के आ रहा है, बट बाद में देखा जाएगा कि अब इससे ज्यादा रहता है या यही रहता है। N5 NM पे प्रोसेसर बेस है, मतलब आपके बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल के ये होने वाला है। और भाई माली G68 का GPU भी मिलेंगे, एंड इसका जो Antutu Benchmark निकल के आता है ना भाई 3,73,000 के ऊपर इसका Antutu Benchmark निकल के आता है, जो भाई अच्छे खासे स्कोर भी देंगे एंड गेमिंग वगैरह आप अच्छे से कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा हीटिंग वगैरह के इश्यूज इधर आपको देखने के लिए मिल सकता है इस प्रोसेसर के साथ। एंड बात करेंगे इस फोन की कैमरा तो पीछे आपको टोटल 4 कैमरे मिलेंगे, 50+8+2+2 का जो कैमरा दे रखा है बिल्कुल ही बेकार दे रखा है, क्यों देता है पता नहीं, जस्ट शो के लिए दे रखा है बट कोई काम का नहीं है। एंड 50+8 जो है ना भाई आपको काम में आने वाला है, एक अल्ट्रावाइड एक आपको मेन कैमरा एंड 2 का डेप्थ एंड 2 का मैक्रो आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट आपको 8 पिक्सल का एक बी नॉच शेप के साथ आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। 6000mAh की बैटरी साथ में 25W का चार्जर इसको सपोर्ट करता है, मतलब 25W चार्जर आपको सपोर्ट करेंगे बट देंगे नहीं भाई, बॉक्स में आपको चार्जर ही नहीं मिलेंगे, तो भाई क्या ही बात है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई इधर सैमसंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है मेरे हिसाब से। मतलब भाई सैमसंग को तो चार्जर इधर प्रोवाइड करना चाहिए, फ्लैगशिप में नहीं देता तो वो बात माना जाता है, बट अपर मिड रेंज फोन में भी इसको गायब कर रही है, बहुत ही नाइंस भी है कस्टमर के साथ, ये भाई नहीं होना चाहिए था। एंड बात करेंगे इसके अदर कनेक्टिविटी, टाइप सी का पोर्ट मिलेंगे, 3.5mm ऑडियो जैक मिलेंगे, एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला जो लेटेस्ट अब तक एंड 1 UI 4.1 पे रन करने वाला जो अब तक लेटेस्ट है 1 UI पे। सो गाइस ये था इसका फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड बात करने वाले इसकी लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग। तो इसका जो प्राइसिंग निकल के आ रहा है ना भाई 22,000 to 24,000 के बीच में इसका प्राइसिंग होने वाला है। 2 वेरिएंट के साथ ये आने वाला है, 6GB 128GB जिसका प्राइसिंग होने वाला है ₹22,000 एंड 8GB 128GB जिसका प्राइसिंग होने वाला है ₹24,000। बट देखा जाएगा इसके ऊपर डिस्काउंट लगाता है या नहीं, अगर डिस्काउंट के साथ ये आने वाला है बैंक ऑफर के डिस्काउंट अगर लगाता है तो आपको 20,000 में ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भाई बेस वेरिएंट 6GB 128GB के साथ आने वाला है। एंड इसका स्टोरेज आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, यहाँ माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट अलग से दे रखा है तो टेंशन नहीं लेने का स्टोरेज के मामले में। और गाइस बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट तो ये 2 अप्रैल को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, एंड ये आपको अमेजन एक्सक्लूसिव देखने के लिए मिलेंगे एंड ऑफलाइन मार्केट में भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्चुअली भाई इस फोन को ना ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाया गया है, मतलब ऑफलाइन को ज्यादा टारगेट किया गया इस फोन के थ्रू, तो भाई देखा जाएगा कितने लोग इसको खरीदता है, कितना लोग इसको पसंद करता है, कि भाई आपको पसंद आया फोन एंड प्राइसिंग के हिसाब से आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, एंड ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो गाइस उसे सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो चैनल के जरूर से एक लाइक कर लेना। तो भाई चलते मिलते हैं नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो तक, बाय बाय।